कैंपस प्रोग्राम तुहाड़ा सब का स्वागत है। अज असी तुहानू लैके चल रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज जो कि सराली जिला तरन तारण विखे स्थित है। यह कॉलेज बच्चों लिए किसी वरदान तो घट नहीं है। कॉलेज विखे अज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। कॉलेज में वक् वक् तरीके के कोर्स करवाए जाते हैं। कॉलेज में प्लस वन प्लस टू मैडिकल नॉन मैडिकल कमर्स आर्ट्स BA BSc नॉन मैडिकल BSc कंप्यूटर साइंस BSc इकनॉमिक्स BCA BCOM DCA DST MCOM MSc IT MA पंजाबी PGDCA अते होर वक् वक् तरीके के कोर्स करवाए जाते हैं। कॉलेज विखे अज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई के नाल नाल कल्चरल एक्टिविटीज के नाल भी जोड़ा जाता है। कॉलेज में इको परिवार के सके भैन भरा फीस में विशेष रियायत है। NCC NSS जिम बुकशॉप कैफीटेरिया और खेडों की विशेष सहूलत कॉलेज में मौजूद है। इतों का स्टाफ बहुत ही मेहनती के तजुर्बेकार है। साई टीम ने स्टाफ मैंबरस ने गलबात की। साई टीम ने इतने पढ़ रहे बच्चों नाल भी गलबात की जिन्होंने कॉलेज की बेहद तारीफ की। साई टीम ने इतों के प्रिंसीपल सर डॉक्टर जसवीर सिंह गिल जी नाल भी गलबात की जो कि बहुत ही मेहनती इंसान ने अते हमेशा ही स्टाफ अते बच्चों नूं पूरा सहयोग देंदे ने। कॉलेज विखे आइल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चल रहा है जिस विच बच्चों नूं आइल्स PTE ESPD की कोचिंग भी दी जाती है। आओ लैके चलते हैं तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज सराली जिला तरन तारण विखे। वेलकम टू गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज सराली। मैं परमवीर सिंह एसोसीएट प्रोफेसर गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज। अज मैं तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज के बारे दसन जा रहा हाँ। गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज 1970 तो चल रहा है। ये इलाके की सिरमौर विद्यक संस्था है और इस संबंध यदि एफिलिएशन गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के नाल है और पिछले 52 सालों तो यह सारे इलाके की विद्या के खेत्र में सेवा कर रहा है। आओ मेरे नाल चलिए तो इस कॉलेज के बारे जानकारी प्राप्त करिए। विद्यार्थी आपको अपने समय के अनुसार इस जिम के आके एक्सरसाइजिज करते हैं और अपने आप को शारीरिक तौर पर फिट रखते हैं। लड़कियों के लड़कियों दोनों का प्रबंध है जो कि आपको अपने वक्त समय के अनुसार इतने आके जिम के अपनी एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखते हैं। इस तरह की सुविधा शायद ही और किसी कॉलेज तुम्हें मिले। कंप्यूटर लैब है और इस तरह के साथ को 3 लैब होर ने जिसमें तुम देख सकते हो कि बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल ने और जो विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं जिम्मे कि MSc IT MSc कंप्यूटर साइंस BCA और BSc कंप्यूटर साइंस BA के विद्यार्थी जो कि BA पढ़ते हैं डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का DCA ये सारे विद्यार्थी इस लैब में आके अपने प्रैक्टिकल करते हैं और अपने कंप्यूटर के विषय के जानकारी हासिल करते हैं। ये कंप्यूटर लैब है गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज सराली जिसकी जिसकी स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर्स इंस्टॉल किया गया है। सारे ही सिस्टम जोड़े ने बहुत वधिया है लेटेस्ट है और इस देख सकते हो कि विद्यार्थियों के बैठन का काम करने का देख सकते हो कि कंप्यूटर लैब है जिस विच की कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल ने और विद्यार्थी इतने बैठ के अपने कंप्यूटर विषय के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं। रिफ्रेशमेंट्स का उसके वास्ते कैफीटेरिया का प्रबंध किया गया जिस विच की फ्री पीरियड के दौरान विद्यार्थी इतने बैठ के रिफ्रेशमेंट्स लेंदे ने और इसका सफाई का खास प्रबंध रखा गया है। इतने एक पूरी कमेटी इसकी निगरानी करती है जिस विच की किस तरह का खाना बनाया जाता है किस तरह की जो रिफ्रैशमेंट्स ने प्रोवाइड की जाती हैं इस संबंध में पूरा ख्याल रखा जाता है। विद्यार्थियों के रिफ्रैशमेंट्स के लिए जिते लड़कियां उपर बैठती हैं नाल बेसमेंट भी है जिते कि लड़के बैठ के इन चीज़ों ग्रहण करते हैं खाते हैं और जो भी कोई पीरियड फ्री है उ बैठ के अपना टाइम भी कुछ पास कर सकते हैं। डबल स्टोरी मुख्य लाइब्रेरी है जिस विच तुसीं देख सकते हो कि मेरे पिछे मैगजीन का जो स्टैंड बनया होया है उस विच ही वक् वक् तरह के मैगजीन कॉलेज सबसक्राइब करता और विद्यार्थी बहुत शौक नाल पढ़ते हैं और इसके अलावा कॉलेज के बहुत सारे की बुक्स में अलग अलग विषयों के उपर मीरा रखा गया है और विद्यार्थी अपने फ्री समय के दौरान जदों भी उन्होंने टाइम है उसको किताबा भी निकलवा सकते हैं तो बैठ के पढ़ भी सकते हैं और कॉलेज इस वे तकरीबन 25,000 तो वख विषयों के उपर किताबा हैं। फर्स्ट फ्लोर का फुली एयर कंडीशनड हॉल है जिस विच की लड़कियां बैठ के पढ़िया ने और बहुत सारे विषयों के उपर किताबा अलमीरा के है जो कि तुम देख सकते हो। फुली एयर कंडीशनड लाइब्रेरी रीडिंग रूम है। ये कॉलेज का कॉन्फ्रेंस रूम है जिस विच की
ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। प्लस चैनल पर थोड़ा स्वागत है। अज असी आए हैं विद्या दानी गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, एक ऐसा कॉलेज जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज के नाम के उत्ते सराली विखे पिछले लंबे समय तो सेवा दे रहा और इतों के बड़े विद्यार्थी जिहड़े हैगे अज लुमनी वर्ल्ड दे विच ए क्लास पोजीशनां दे उत्ते सेवावां दे रहा और गल कर रहे हैं इतों के यंग एनर्जैटिक प्रिंसीपल सर दे नाल। सर स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो च। धन्यवाद। सर जिस तरीके दे नाल ए कॉलेज हमेशा लोगों की आस्था का केंद्र रहा और इसने पिंडां दे विद्यार्थियों नूं खास करके इस्त्री विद्या नूं बहुत उपर चक्या, की कहना चाहोगे कि पिछले लंबे समय तो सेवावां हो रही ने और ये कॉलेज हुण फिर एक नवी उचाइयां वल नवे नवे कोर्सिज पी जी डी सी एम एस सी आई टी और होर सारे कोर्स जिहड़े हैगे आ दुबारा तो एक रिज्यूमिनेट जिदा आपां कह दिंदे आ उदां हो के कॉलेज उभरिया, की कहना चाहोगे? हाँ जी सर, मैं तुहाडे ध्यान विच थोड़ा लियाना चाहुंदा वी सन 1970 दे विच इत्थों दे महापुरख संत बाबा तारा सिंह जी ने इस कॉलेज की शुरुआत की सी। उस समय इस इलाके विच कोई भी कॉलेज नहीं हैगा, इत्थों दे विद्यार्थियों नूं पढ़न लई खालसा कॉलेज अमृतसर ही जाना पैंदा सी। लोकां दे सहयोग दे नाल 1970 दे विच इस कॉलेज की स्थापना की गई और उस समय इस कॉलेज दे विच सिर्फ दो ही कोर्स स्टार्ट होए सी, एक बी ए सी ते एक बी एस सी हैगा सी। लेटर ऑन समय के नाल बदलाव होंदे गए, साडे कोल प्रोफेशनल कोर्सेस बी कॉम बी सी ए वगैरह साडे कोल आंदे रहे, पर पिछले समय दे विच जिहड़ा रुझान बाहर दा वध्या उस रुझान ने इस कॉलेज नूं भी सट मारी हैगी आ। विद्यार्थियों का रुझान बाहर वधण नाल साडे कॉलेज की गिनती भी घटी सी पिछले समय दे विच। जे असीं इस कॉलेज की पीक स्ट्रेंथ की गल कर लईए तां साडे कोल 2300 बच्चा लगभग 2015-16 दे विच पढ़दा हुंदा सी, बट पिछले समय के 2021-22 दे विच जिहड़े साडे बच्चे पास आउट हो के यूनिवर्सिटी पेपर देने तो बाद सिर्फ 95 विद्यार्थी रह गए सी। असी मेहनत कीती, इलाके का सहयोग दोबारा मंगिया ते इस समय साडे कोल 450 बच्चा वख-वख क्लासां विच पढ़ाई कर रहा है। सर सब तो वड्डी गल कि इत्थे जदों तुसीं सुबह आउंदे हो अपने टीचर्स नूं कौंसल करदे हो, भाई आपां विद्या दा दान देना, अपना ये महापुरखां दी धरती उस समय का बूटा लाया और उस तरीके दे नाल ही टीचर्स आ जिहड़े हुण पूरी लेबर करके जिन्ने भी टीचर्स हैगे आ ओह तनदेही दे नाल अपनी ड्यूटी निभा रहे ने और बच्चों नूं केवल विद्या ही नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म विच लिजा रहे ने, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट माइंड सैटअप। हाँ जी, इस बारे मैं तुहाडे ध्यान विच लियाना चाहुंदा वी जिले दे विच इस तो साडे कॉलेज तो इलावा होर भी 5-6 कॉलेजेस चल रहे हैगे, पर जे मैं फैकल्टी की गल करां वी साडे कॉलेज दे विच सब तो हाईली क्वालीफाइड जिहड़ा स्टाफ आ सिर्फ साडे कॉलेज दे विच ही हैगा। लगभग साढ़े को 7 PhD फैकल्टी मैंबर जिहड़े PhD होल्डर्स ने। जे असी इन्हां नूं जिले के होर कॉलेजों नाल कंपेयर कर लिए तो जिन्ने भी जिले के कॉलेज हैगे उन्हां सारे कॉलेजेस नूं मिला के इन्ने PhD नहीं हैगे जिन्ने साढ़े कल्ले इकलौते कॉलेज कोल हैगे आ। जे असी मास्टर डिग्री की गल करिए तो साढ़े कोल MA पंजाबी ते MSc IT ते MCOM के कोर्सेस चल रहे हैं। सर इत्थों दा जिहड़ा सिस्टम है, बाबा जी ने कदे इस कॉलेज तो पैसा की आस नहीं की गई? बाबा सुखा सिंह जी जिहड़े मौजूदा मुखी ने इस सारे ट्रस्ट के, उन्होंने हमेशा तुहानू अपना हाथ ओही किया कि तुसी भाई मेरे तो कोई चाहिए तो लै लो? उन्होंने कदे इस आस नहीं रखी कि असी कॉलेज तो कुछ लेना? उन्होंने मतलब यह कि असी विद्या के दान लिए खोलिया तो साडा विद्या का दान होंदा रहे, साडे कॉलेज के खर्चे चलते रहन, सानू इस कॉलेज तो इनकम की नहीं बल्कि कॉलेज तो सानू यह है कि साडे बच्चे प्रोड्यूस होन जिहड़े विद्या लैके अगे वधन। हाँ जी, बाबा सुखा सिंह जी इस कॉलेज नूं बहुत वड्डी देन आ जी साडियां पिछले, क्योंकि विद्यार्थियों की गिनती घटन दे नाल साडियां सैलरियां टुट गईयां सी, लगभग 2-2 साल दियां साडियां सैलरियां पेंडिंग चल रहीयां सी। बाबा सुखा सिंह जी ने सानूं सहयोग दिता और उन्हां ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए के अप्रोक्सीमेट पैसे एरकी कॉलेज दे विच पाए हैगे आ, जिहदे नाल जिहड़ियां साडियां पिछले समय तो रुकियां सैलरियां सी ओह हुण हौली हौली निकल रहीयां हैगियां। प्रिंसीपल साहब जिस तरीके दे नाल इस कॉलेज दे विच खुले डुले ग्राउंड, इस कॉलेज दे विच कल्चरल एक्टिविटीज़, यूथ फेस्टिवल च कॉलेज दीयां परफॉर्मेंसां, खेलां दे विच आपां गल कर लईए खेलां दे विच मल्लां मार रहे हैं कॉलेज ने, मतलब कॉलेज ऑलराउंडिंग डिवेलपमेंट वल ध्यान दिंदा है, केवल यह नहीं है कि कल्ली विद्या ही है, उहदे नाल नाल हर तरह का जिहड़ा हैगा मैंटल डिवेलपमेंट बच्चों की हैगी आ,
ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੋਲਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ 2 ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਈਵੈਂਟਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਬੇਸਡ ਨਿੱਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਸਡ IT ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਐਤਕੀ ਪਾਸ ਆਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ BA ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ BSc ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, BCOM ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਰਿਆਮਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਵਟਸਐਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, PGDC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਉਹ ਸਕਿੱਲਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆ ਵਧੀਆ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ PGDSA ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਅਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਬਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਫੋਰਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈਗੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਲੋਅ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜੋਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਜੋਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਕਲੱਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫੋਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਊਟਸ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ +1, 2, 3 ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ NCC ਵਰਗੀਆਂ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਰਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੀਲਡਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ, NCC ਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ NCC ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਲੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲਬੋਰੀਅਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ BA ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ 4th semester ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਟੀਚਰ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ BCA ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ BCA ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ BCA ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ BCA ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਟੀਚਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਚਰ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਬਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰਨੇ, ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਬੈਸਟ ਕਾਲਜ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, IELTS ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕਾਲਜ। ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ
ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਬੋਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ?
हाँ जी, मैं तुहाडे ध्यान विच लियाउणा चाहुंदा कि देखो कॉलेज चंगी क्वालिटी एजुकेशन तां ही दे सकदा जे उहदे कोल क्वालिफाइड स्टाफ होएगा। साडे कोल सब तो ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड स्टाफ हैगा जिहदे विच साडे 8 स्टाफ मैंबर जिहड़े PhD होल्डर ने, बाकी सारे साडे नैट ते UGC क्वालिफाइड ने। और मैनू बड़ा फखर और माण हैगा कि साडी इह जिहड़ी टीम हैगी आ आपस दे विच बहुत चंगी तरह कोआर्डीनेट करके काम कर रही हैगी, जिहदे नाल असीं गिनती नूं लगातार बहुत वड्डी गिनती 'च वधा रहे हैगे। साडा टीचा हैगा कि अगले समें दे विच इहदी गिनती नूं वापस असीं 2,2500 बच्चा जिहड़ा साडे तों रिहा सी उहनूं असीं दुबारा मेनटेन कर सकीए। थैंक यू। और हम असी गल करेंगे तुहाडे पिलरां दे नाल। सर, की कहना चाहोगे कि एक ऐसा भावना तुहाडे विच सारे लैक्चरां विच भरी भी आ कि असी मेहनत करनी है पूरी दिन रात दी, और असी इहनूं कॉलेज नहीं, असी इहनूं अपना घर समझ के अपनी मेहनत समझ के कि साडी इह रोजी रोटी, असी इहनूं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और उस सिस्टम तुसीं सारे चल रहे हो। बिल्कुल सर। सर, इहदा सिस्टम इस कॉलेज का इस तरह का है कि मैनू लगता है कि मतलब पंजाब के कोई गिने चुने कॉलेज हो गए जिन्हों के इस स्टाफ की आफ में जी इन्नी अंडरस्टैंडिंग है, और साढ़े प्रिंसीपल साहब बहुत वधिया ने। मेन तो रात्ता जे असी गल करते प्रिंसीपल साहब ही होंगे, उन्होंने बाद फिर स्टाफ की वारी आती है। जो प्रिंसीपल साहब का सुभाव चंगा है तो टीचर भी जे उस नहीं मतलब रिएक्ट करते हैं जिस हिसाब का प्रिंसीपल। और सर, एक पॉजिटिव बैंटरी बन के भी कोई भी गल होंगी होगी, आपकी प्रॉब्लम भी होंगी, पॉजिटिव बैंटरी बन के कदम ये हम ये जो होने वाला जो स्टाफ हैगा वो एक दूजे का कंप्लीमेंटरी है, किसी कोई दुख होंगे तो वो खड़ता, यह नहीं कि वह मजाक उड़ा के मतलब एक हम सिस्टम है जो बन चुका कॉलेज की असं एक कड़ी हाँ और कड़ी करनी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बिल्कुल सर। सर, सब तो वड्डी की पॉइंट ये होता किसी इंस्टीट्यूशन का जो वह स्टाफ कमाइंड है। सर, छुट्टी का टाइम एनर्जी थोड़े सारे की अखा चो आ जिम्मे हले हूँ ही स्टार्ट हो जाए, की कहना चाहोगे, कह जो विटामिन खाते हो इतने फिर? विटामिन की कोई गल नहीं, वैसे देखो जी अपना जो स्टाफ है सारा बड़ा बेनती है, मतलब कि इन्ना कोऑर्डीनेशन किसी मैं कॉलेज में स्टाफ में नहीं देखा जिन्ना देखे है, सारे एनर्जिक ने, पूरे एनर्जी भरे हुए, तो कभी भी कोई मतलब कि यह नहीं फील नहीं करते कभी भी। छुट्टी का टाइम हले भी अखा चाहिए पूरा प्रिंसीपल जो कोऑर्डीनेट ही उदा करता। हाँ जी, हाँ जी सर जी, पूरा पूरा पूरी तरह करते जी। सर, की मैसेज रहूगा तुहाडा प्लस 2 के जो एग्जाम्स आ वह भी हो रहे हैं और प्लस 10th के भी एग्जाम हो रहे हैं बाहर, की कहना चाहोगे कि बच्चे ने फ्यूचर बनाना तो वह जरूर एक बार आके विजिट जरूर करे गुरु नानक खालसा कॉलेज में, वो कॉलेज उही चाइया वाला कॉलेज है जिहड़ा उस टाइम उत्ते बूटा लगे सी बाबा तारा सिंह जी ने 70 साल च लगाया सी, अज सब तो पुराना कॉलेज है वो विद्या का दानी कॉलेज है। हाँ जी सर, मैं तो ये कहना चाहवागा कि एग्जाम चल रहे हैं, स्टूडेंट्स ने पूरे साल मेहनत की है, पूरी मेहनत के नाल बहुत वधिया तरीके दे नाल एग्जामीनेशन दे रहे हैं। मैं इलाके के जिहड़े लोग हैं उन्होंने ये कहूँगा कि तुसीं साडे कॉलेज विजिट करो, असीं किवें डील करते हैं, किवें उन्होंने पढ़ाने हैं बच्चों नूं, वो सारा विजिट करनगे फिर पता लगेगा। असी हर बच्चे नूं पूरी इंपोर्टेंस दिंदे हैं, पूरी उहदी हर प्रॉब्लम नूं हल करन दी कोशिश करते हैं, असी उहदी छोटी तो छोटी प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी आ उहदे माँ बाप वांगू उहदे नाल डील करते हैं, असी उहनूं इत्थे उहदे माँ बाप दी जां किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होण दिंदे, उहनूं घर वर्गा सारा प्यार दिंदे हैं, ते पढ़ाई जिहड़ी हैगी आ सारे लैक्चर पूरी तनदाई नाल असी पढ़ा। हाँ जी सर, साढ़े कॉलेज बीकॉम का कोर्स भी चल रहा है, इस तो इलावा एमकॉम का कोर्स भी चल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन लिए, और तुम देखोगे कि साढ़े कॉलेज तो कॉमर्स पढ़े हुए स्टूडेंट्स आले दुआले एरिया के जिन्हें कॉलेजेस ने उत्थे इस वे टीच कर रहे हैं जेडे तो पोस्ट ग्रेजुएशन करके गए, इस बारे तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। इस तो इलावा साढ़े कुछ स्टूडेंट्स जोड़े है वो इस वे सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से फुल टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जोड़े साढ़े इस वे पटवारी के पोस्ट से या किस तरह काफ़ी हायर पोस्ट पर। सो कॉमर्स भर के इतों स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल कंप्यूटर किस तरह कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करनी है वो नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है, अदरवाइज बेसिक्स सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं इसे कॉलेज का विद्यार्थी रहा जी, तो मैं इतने हूँ जॉब करना, डॉक्टर जसवीर सिंह ने मैं पढ़ाया भी, बाकी जे गुरुआ की गल करिए तो बहुत उन्होंने पॉजिटिव बहुत है, जोड़ा कि बच्चे कई फीस नहीं दे सकते उन्होंने अपने को फीस दे के जी विद्या वो देती है। टीचर भी इतने पढ़े भी? हाँ जी, मैं इतने पढ़ रहा जी, पहले पढ़ रहा जी 2009 तो मैं इतने जॉब कर रहा जी, तो सारे टीचर्स ने जोड़े मेरे पुराने सारे उन्होंने मैंने पढ़ाया तो मैंने बहुत हेल्प की, हूँ भी कोई मुश्किल होंगी है तो वो मेरा साथ। बेटा, जो आम कॉलेजों नहीं देखा जाता इस कॉलेज इंग्लिश स्पीकिंग IELTS दा 4 मॉड्यूल्स कराने के लिए
एक अलग तो ही सैक्शन बनाया कि बच्चों अज का जो मॉडर्न ईरा जिस बच्चों बाहर जाने ज़्यादा बच्चे सोच रहे हैं और इंडिया के भी जिन्हें बच्चों ने नौकरियां लेनिया इंग्लिश एक बहुत बैकबोन बन चुकी है तुम पढ़ाते हो कि कहना चाहते हो जी मैं यही समझती हाँ भी जिमें कॉलेज के इंग्लिश का सबजैक्ट तो तुम पता कंपलसरी बनता ही है उस तो इलावा कॉलेज ने आर्ट सेंटर भी खोलिया हुआ है जिमें कि असी टीचर जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने वध नॉलेज दे सकते हैं जिमें कि उन्होंने वोकैबलरी ग्रामर वगैरह जो बेसिक्स होंगे उन्होंने उन्होंने स्टार्ट करवा सकते हैं कि उन्होंने बाहर जाने की कोई प्रॉब्लम ना आए जो प्लस टू करते हैं तो उस तो बाद इतने ही कंटिन्यू कर सकें कि उन्होंने कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो वैसे तो असं प्लस टू में प्लस वन उन्होंने इन्नी ज़्यादा मतलब कि कर देंगे कि उन्होंने प्रॉब्लम आती नहीं है ग्रामर से वोकैबलरी से उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है तो यही कहने कि अगर जाके जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा जी अपनी इंप्रूवमेंट कर तरक्की कर कॉलेज जोड़ा है उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉपरेट करता है इतना कि प्रिंसीपल सर जी ईवन छोटी जी प्रॉब्लम होती उन्होंने भी सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉपरेट किया जाता है तुम्हें पता भी इंटरनेशनल लैंगुएज है ये ही उन्होंने सर्वाइव करना है चाहे किसी भी फील्ड में चले जाए। हाँ जी मैं कहना चाहूँगी कि गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज जोड़ा वो बहुत वधिया है इतने पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और प्रिंसीपल सर भी हर एक स्टाफ और एक हर एक स्टूडेंट्स की जी प्रॉब्लम है उन्होंने डील करते हैं तो वध तो वध मतलब बच्चों पढ़ाई के नाल जोड़िया जाए ये कोशिश की। मैं तो इस कॉलेज तो ग्रैजुएशन की थी पोस्ट ग्रैजुएशन भी इतने की थी इतने स्टूडेंट हैं इतने टीचर्स के काम करके बहुत वधिया लगता क्योंकि इन्हों टीचर्स को ही नहीं पढ़े हुए अज इन्हों के बराबर से बह के काम करते बहुत वधिया फील होता कि इन्ना वधिया स्टाफ इन्ना वधिया प्रिंसिपल सर जिनी प्रेयर की जाए उन्नी का। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब कमर्स एक यहोजी स्ट्रीम आ जिते आप किसी भी स्ट्रीम के जाके जॉब कर सकते हैं बैंकिंग टीचिंग लाइन से जा सकते हैं सर प्लस जिमें अपने कॉलेज के साथ बहुत वधिया टीचिंग करवाई जा रही है बच्चों हरेक तरह की फैसिलिटी मिल रही है और प्लस मेरी जी स्टडी है मेरी भी इस कॉलेज तो ही है तो अगे मैं टीच भी इतने कर रही हूँ सो सर बहुत कोऑपरेटिव आ हरेक तरह की प्रॉब्लम आ सर डिस्कस कर ली दी है तो सल्यूशन बच्चों प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ जी पंजाबी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है मेरी कोशिश है कि मैं उन्होंने पंजाबी दे नाल जोड़ा मैं अपने सब्जेक्ट में पूरे वधिया इंट्रस्टिंग वे नाल पढ़ाने बच्चे बहुत प्रभावित भी होंदे है बाकी जो भी बच्चे भी अपना खुल दिली नाल पंजाबी दे विच साडे नाल गल बहुत वधिया तरीके नाल अपनी समस्यावां भी शेयर करदे आ। बेटा की कहना चाहोगे तुसी इस कॉलेज दे पार्ट एंड पार्सल हो और पॉलिटिकल साइंस दा एक बहुत बैकबोन है अज बच्चों दी पहला दी जिहड़ा कॉलेज आ ना साडी सारी एरिया दे लागे बंदे एक ही कॉलेज आई जिहड़ा कि एक विद्या के नाँ तो जाने जाता शुरू तो ही यदि जो गल हूँ तो शुरू तो ये गल हूँ कि सब तो पहले इतनी पढ़ाई बहुत वधिया जिदे करके कि इतने बच्चे पढ़ते हैं तो बाकी थोड़ा स्टाफ जोड़ा वो बहुत वधिया सारे भी साढ़े बहुत कोऑपरेटिव करते हैं तो जोड़ा इतों के मतलब अस मैं हम पोलिटिकल साइंस की हाँ तो मैं चाहनी हाँ कि जो राजनीति हो रहा वा ठीक है वो दिखाया कुछ होर जा रहा वा पर हों कुछ होर इसलिए जो बच्चे उ पढ़ाया जाए जो कुछ वो सच आ ठीक है जो है वो बड़ा एनर्जैटिक पेपर होने के बावजूद ही उन्होंने हौसले बधे हुए और अटैक उन्होंने अखों के एन सी सी की कहना चाहोगे कि एक एनर्जी भरती है एक देश की भगती की भावना भरती हैगी एन सी सी बारे की कहना चाहोगे जिदा हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है अजकल वो भी जो एन सी सी वाले स्टूडेंट है उन्होंने माइंड हूँ भी नहीं कोई कोई भी रूल कोई चीज़ यह जी जिदा हम आप देख ही रहे हैं कि हो रहा बेसिकली जो एन सी सी है ना साडे देश में सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वास्ते डिवेलप हुई 1948 के इसनों कॉलेज के इंक्लूड किया गया ता जो कि जोड़े बच्चे आ ग्रैजुएशन के नाल जां अपने स्कूल की एजुकेशन के नाल नाल ही देश के प्रति देशभगती दे नाल अपने आप को एनर्जेटिक करन ता जो कि डायरैक्टली आर्मी के रिक्रूट हो सकन हुण एन सी सी के जोड़े सी सर्टिफिकेट आदि करके अपना बच्चों डायरैक्ट जिन्होंने कहें भी ऑफिसर रैंक के उत्ते सिर्फ इंटरव्यू दी हुंदी है उन्होंने जिहड़ा रिटन टैसट वो एग्जाम्प्ट कर दिता जाता और बच्चों बेसिकली जो लाइफ के यूनिटी एंड डिसिप्लिन है वो अभी उन्होंने क्लासरूम तो ही सिखाने जिहड़ा कि जाके उन्होंने बाहर सोसाइटी के बाद स्प्रेड करना हाँ जी प्लान माइंड है क्योंकि यूनिटी डिसिप्लिन यदा मोटो आ तो जो बच्चे आप एजुकेशन के ही इस चीज़ की फीडिंग करते जावे तो जो सोसायटी के अपने आप में एग्जीक्यूट करे उस समय उन्होंने चीज़ों वो सोसायटी के लैके जाएंगे तो जो कि सोसायटी के जोड़ा भी सिस्टम चलता पाया वो जेकर कितने खामिया वा उस चीज़ को पूरे कर सकन क्योंकि जी नॉलेज उन्होंने लई होंगी है पहला रीज़न यह भी ये एक बच्चे का काम नहीं हूँ एक यूनिट का काम हों तो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं स्पोर्ट्समैनशिप आँदी है वो स्पोर्ट्समैनशिप हो गई जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है
और यूनिटी इन डायवर्सिटी डायवर्सिटी वाला जो सिस्टम है, क्योंकि इतने एक सिस्टम नहीं रहना। दैट मीन जे तो कैंप लगे हैं तो तुम बंगाल जा रहे हो, बिहार जा रहे हो, मद्रास जा रहे हो, तुम वक्त वक्त कल्चर सीख के आ रहे हो। जेकर वो बाद सोसायटी के जाके जॉब करते हैं तो उन्होंने कल्चर के उन्होंने सिमिलेट करना सौखा हो जाता, तो वो चीज़ा ऑलरेडी ही उन्होंने होंदिया वा ता जो कि अपने जॉब में ईजीली कर सकते। देखो जिमें पहले ही कहा कि इलाके की सिरमौर विद्यक संस्था है जो कि पिछले 52 साल तो इस इलाके की विद्या के खेत्र में सेवा कर रही है। और किसी भी विद्यक संस्था की सफलता के जोड़े दो राज होंगे ने कि कह लो क्वालिटी एजुकेशन तो सुविधा, और सारे इलाके कॉलेज इन सुविधाओं वास्ते क्वालिटी एजुकेशन वास्ते जाने जाता है। और मैं सारे इलाके लोगों को कहूँगा कि वो अपने बच्चों इस कॉलेज भेजन और उन्हों का भविख उज्जवल कराओ। तो सारिया ने हूँ तक देख लिया कॉलेज के बारे अभी वॉक इन किया है किस तरीके ये फैसिलिटीज़ ने और क्वालिफाइड स्टाफ है, PhD अध्यापक ने, सारे वैल क्वालिफाइड ने और परसनल अटेंशन दे के बच्चों पढ़ाते हैं। इस तरह की जो वातावरण है कितने भी होर थान के उपर मिलना मुश्किल है। और इस तो अलावा पढ़ाई के नाल नाल एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटीज़, NCC, NSS ये सब का विशेष प्रबंध है कॉलेज के विच। स्पोर्ट्स के खेत्र विच भी कॉलेज ने मलां मारियां ने और पिछले कुछ सालों के दौरान कॉलेज ने जनरल ट्रॉफी भी हासिल की है अपने ग्रुप बी के विच। तां ये इलाका ये कॉलेज किसी इंट्रोडक्शन का मुहताज नहीं है, पर यह है कि हुण इस इलाके इस कॉलेज नूं सारे लोगों के सहयोग की जरूरत है ताकि इसनों पहले वर्गियां उचाइयां दे विच बुलंदियां दे विच दोबारा लियाया जा सके। धन्यवाद।